हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो थंबनेल देख के आप सब जान गए हैं कि अफोर्डेबल रेंज का ब्लाउज हॉल होने वाला है। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो ब्लाउज मैंने वियर कर रखा है, ये मैंने किस प्राइस रेंज में परचेस किया था, मटेरियल क्वालिटी मुझे कैसी लगी है, मैंने आप सबके साथ वीडियो में शेयर कर रखा है। तो आपको उसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। मैं सारे ही लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करती रहती हूँ। प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग आप सबके साथ यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर करती रहती हूँ, पर आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स में लिंक काम नहीं करते हैं। तो अगर आप मुझसे लिंक मांगते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो मैं आपको सेंड कर देती हूँ, लेकिन वो वर्क नहीं करते हैं। तो आपको देखनी होती है मेरी डिटेल वीडियो, जो कि आपको मिल जाती है उसी शॉर्ट्स में यहाँ पर, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करेंगे तो आपको उन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। तो अब आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे, जिसको देख के मैंने वाला ब्लाउज परचेस किया था। मैं दिखा पा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज आपको मिल जाता है। मतलब जैसा स्क्रीन पे दिख रहा था, आपको एग्जैक्टली वैसा ही ब्लाउज मिलता है। इसकी स्लीव्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती हैं। आप देख सकते हैं काम आपको बहुत प्यारा मिल जाता है। तो जैसे ब्लाउज पे लाइट पड़ेगी तो ये शाइन भी करेगा, शायद आपको दिखा पा रही होंगी मैं। वो वोट नेक वाला आपको ब्लाउज मिलता है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपको इसका मिल जाता है। स्लीव्स पे जो काम किया गया है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। कपड़े की फिनिशिंग आपको बहुत अच्छी मिलती है, काम की फिनिशिंग भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। मतलब रेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई ब्लाउज है। आपको इसमें जो इनर का फैब्रिक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दे रखा है। पैड्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, पैडेड ब्लाउज आपको मिल जाता है। और ब्लाउज में आपको अंदर मार्जिन भी मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और ब्लाउज जो है वो आपको बैक हुक के साथ मिलता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। मतलब ओवरऑल पीस बिल्कुल अपने रेट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई है। अगर आप इस तरह का ब्लाउज परचेस करना चाहते हैं, रीजनेबल अमाउंट का ब्लाउज परचेस करना चाहते हैं, तो ये बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको ब्लाउज को स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद पीस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे, जिसको देख के मैंने ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का ब्लाउज परचेस किया था। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा औसम क्वालिटी की आपको जरी की फिनिशिंग मिल जाती है। हाफ स्लीव्स आपको मिलती हैं। स्लीव्स पे जो काम किया गया है, वो बहुत सुंदर है। मतलब रियल में भी ब्लाउज आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। काम की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा औसम क्वालिटी की आपको मिल जाती है। रेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई पीस आपको मिल गया है। अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ, इसमें आपको फ्रंट हुक मिलते हैं और हुक की क्वालिटी आपको ओके ओके टाइप की मिलती है। मतलब एक बार आपको हुक अपने आप स्टिच करने पड़ेंगे, इस तरह की क्वालिटी आपको मिल जाती है। और ब्लाउज आपको पैडेड मिलता है, तो पैड की क्वालिटी भी आपको अच्छी दे रखी है। मतलब जिसको आप वियर कर सकते हैं, ऐसे वाले पैड और इनर आपको मिल जाते हैं। ब्लाउज में आपको अंदर मार्जिन भी दे रखा है, मतलब आप ब्लाउज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लाउज आपको बैक डोरी के साथ मिलता है। तो ब्लाउज को मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ब्लाउज आपको बहुत प्यारे से काम के साथ मिलता है। मतलब पूरा आगे और पीछे दोनों तरफ आपको काम जो है वो बढ़िया दे रखा है। काम की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा औसम दे रखी है। आपको इसके रेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाइड पीस है। तो अगर आप अपने लिए कोई प्यारा सा डार्क ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज देख रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। आपको मैं इसको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद पीस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे, जिसको देख के मैंने ये वाला ब्लाउज परचेस किया था। ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा प्यारा से प्रिंट पैटर्न में मिल जाता है। येलो कलर का ब्लाउज है, उस पर जो भी काम किया गया है वो केवल प्रिंटेड है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत रिच क्वालिटी का फैब्रिक आपको मिलता है। रेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई पीस है। तो ब्लाउज में आपको हाफ स्लीव्स मिल जाती हैं और ब्लाउज में बहुत प्यारी सी वी नेकलाइन आपको मिलती है। इस तरह की नेकलाइन आजकल बहुत ज़्यादा इन है। पैडेड ब्लाउज आपको मिलता है, इनर का फैब्रिक भी आपको सॉफ्ट दे रखा है और पैड की क्वालिटी भी आपको अच्छी दे रखी है। अब मैं आपको ब्लाउज पीछे से दिखा देती हूँ। तो बैक हुक के साथ आपको मिलता है, बैक बो के साथ आपको ब्लाउज मिल जाता है। बो की डिज़ाइन बहुत अच्छी दे रखी है, लेकिन हुक की क्वालिटी मुझे ओके ओके टाइप की लगी है। आपको एक बार इसको खुद स्टिच करना पड़ेगा, उसके बाद ही हुक जो है वो थोड़े से फिक्स होंगे।
बाकी ब्लाउज में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत प्यारी है, प्रिंट पैटर्न डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा है। तो इस तरह के ब्लाउज अगर आप ऑफलाइन स्टिच करवाते हैं तो आपको पता ही है कि इनके रेट कितने ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल अमाउंट पे ब्लाउज मिल जाता है, फिनिशिंग आपको बहुत अच्छी ब्लाउज पे मिल जाती है, फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत प्यारी है, मतलब दिन भर वेयर करेंगे तब भी अनकम्फर्टेबल रहने वाला पीस आपको नहीं मिलता है। अब मैं आपको उसको शेयर करके दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको पीस कैसा लग रहा है पहनने के बाद। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे, ब्लाउज आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिल जाता है। स्लीव्स पे जो काम किया गया है वो बहुत ज़्यादा औसम क्वालिटी का है, मतलब आपको मैं दिखा पा रही हूँ, काम की फिनिशिंग आपको बहुत बढ़िया दे रखी है। स्लीव्स वाले पोर्शन में जो भी जरी का काम है वो भी आपको बहुत अच्छा दे रखा है। ये पूरा इसका फ्रंट वाला पोर्शन है, मतलब आपको फ्रंट हुक के साथ ब्लाउज मिलता है, पैडेड ब्लाउज दे रखा है, अंदर इनर का फैब्रिक भी आपको अच्छा दे रखा है जिसको आप वियर कर सकते हैं, ऐसा आपको इनर और पैड की क्वालिटी मिल जाती है। मार्जिन भी मिलता है ब्लाउज में, सबसे ज़्यादा सुंदर जो है वो इसके स्लीव्स पे हो रखा काम है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। पूरी स्लीव्स जो हैं वो आपको भरे हुए वर्क के साथ और अच्छे जरी वर्क के साथ मिलती हैं, मतलब जितनी इसकी रेट है उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया आपको काम मिल जाता है। ब्लाउज के काम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया आपको मिलती है। अब मैं आपको इसको पीछे से दिखा देती हूँ। तो ब्लाउज आपको बैक डोरी के साथ मिल जाता है, तो पीछे भी ब्लाउज में आपको बहुत प्यारा काम दे रखा है, मतलब ब्लाउज पूरा भरा हुआ इस रेट में आपको मिलता है। फैब्रिक ऐसा है जिसको आप वियर कर सकते हैं, तो फैब्रिक आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट मिल जाता है अगर आप तीज त्योहारों के लिए कोई प्यारा सा भरा हुआ एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज देख रहे हैं तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन होने वाला है। काम की फिनिशिंग आपको मैं पास से दिखा पा रही हूँ कि काम की फिनिशिंग आपको अच्छी मिल जाती। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो अगर आप बांधनी बंदेज पैटर्न लवर हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट पीस आपको पसंद आने वाला है। ये जो ब्लाउज है वो आपको बांधनी प्रिंट पैटर्न के साथ मिलता है। मुझे तो पर्सनली वाला ब्लाउज बहुत ज़्यादा पसंद आया है, फैब्रिक की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है, फ्रंट हुक के साथ आपको ब्लाउज मिल जाता है, जो जितना भी काम है वो आपको प्रिंट पैटर्न में मिलता है, कुछ भी जरी का काम नहीं दे रखा है, लेकिन प्रिंट पैटर्न आपको बहुत प्यारे मिलते हैं। हाफ स्लीव्स का ब्लाउज आपको मिल जाता है, पैडेड ब्लाउज आपको दे रखा है, अंदर इनर का फैब्रिक भी आपको सॉफ्ट मिलता है और आपको इस ब्लाउज में मार्जिन भी मिल जाती है, तो आप ब्लाउज को एडजस्ट भी कर सकते हैं। काम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि पूरा ही बांधनी प्रिंट पैटर्न आपको बहुत बढ़िया काम के साथ मिलता है, और पीछे आपको बैक डोरी का पैटर्न दे रखा है और पीछे आपको केवल राउंड नेक वाला पोर्शन ही मिल जाता है। हुक की क्वालिटी मैं आपको बता दूं कि आपको ठीक ठाक इस रेट में मिल जाती है, मतलब हुक जो है आपको सही दे रखे हैं इस ब्लाउज पीस में, तो रेट के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड पीस है, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, प्यारा सा पीस है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। काम आप एक बार पास से देख लीजिए कि आपको बढ़िया काम मिल जाता है। तो आइए नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने ये वाला पीस ऑर्डर किया है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतना ज़्यादा सुंदर पीस मुझे इतने कम रेट में मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ, जैसा ब्लाउज आपको स्क्रीन पे दिख रहा था उससे भी ज़्यादा औसम क्वालिटी का ब्लाउज आपको मिल जाता है। इस ब्लाउज में भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। काम की फिनिशिंग आपको A1 मिलती है, मतलब 10 out of 10 फैब्रिक और काम आपको मिल जाता है। काम की फिनिशिंग मैं आपको दिखा पा रही हूँ, स्लीव्स वाले पोर्शन में बहुत प्यारा जरी का वर्क आपको दे रखा है जो कि आप देख पा रहे होंगे, तो पूरा ब्लाउज जो है वो आपको पूरा भरे हुए जरी वर्क के साथ मिल जाता है। काम की फिनिशिंग बहुत बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, मतलब इतना काम होने के बाद भी आपको सॉफ्ट फैब्रिक मिलता है, चुभने वाला फैब्रिक आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आपको फ्रंट में वी नेक लाइन दे रखी है, आजकल ये वाली नेक लाइन बहुत ज़्यादा इन है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, डार्क कलर है इसलिए उस पर काम जो है वो बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि बैक डोरी के साथ आपको ब्लाउज मिलता है और बैक हुक के साथ आपको ब्लाउज मिलता है। हुक की क्वालिटी एक बार आपको खुद स्टिच करनी पड़ेगी, मतलब ओके ओके टाइप की हुक की क्वालिटी मिल जाती है, तो एक बार अपने आप स्टिच कर लेंगे तो थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। बाकी ब्लाउज में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है, तो काम की फिनिशिंग मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि बहुत ही प्यारी ऑसम क्वालिटी की काम की फिनिशिंग आपको ब्लाउज वाले पूरे ब्लाउज में मिल जाती है, मतलब अपने रेट के अकॉर्डिंग बहुत बहुत बढ़िया पीस आपको मिलता है। आपको मैं काम की फिनिशिंग पास से दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि काम की फिनिशिंग आपको
बहुत ज़्यादा औसम दे रखी है। तो आपको पैड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट क्वालिटी के दे रखे हैं, अंदर इनर का फैब्रिक भी आपको अच्छा दे रखा है। तो ब्लाउज में आपको मार्जिन भी मिल जाता है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सब कुछ इस ब्लाउज में बहुत बढ़िया आपको मिल जाता है। तो आपको ब्लाउज में स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने का पीस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो डोला सिल्क फैब्रिक की साड़ी हॉल मैंने आप सबके साथ बहुत बार शेयर कर रखा है, लेकिन आज मैं आप सबके साथ डोला सिल्क ब्लाउज़ का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने डोला सिल्क साड़ियों का रिव्यू नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, कम्युनिटी पोस्ट को चेकआउट करेंगे तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और मैं आपको ब्लाउज़ दिखा देती हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इसकी इमेज, ब्लाउज़ आपको एग्जैक्टली वैसा मिल जाता है। बहुत बहुत प्यारी सी रिच क्वालिटी आपको मिलती है, अफोर्डेबल रेंज में आपको बहुत प्यारी क्वालिटी दे रखी है। स्लीव्स पे काम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा औसम मिल जाता है, मतलब पूरे ब्लाउज की शाइन जो है ना वो बहुत बढ़िया है। कोई भी नहीं कह सकता है कि आपने इतने कम रेट में इतना प्यारा ब्लाउज पीस परचेज करा है। आपको मैं दिखा पा रही हूँ स्लीव का काम, जो स्लीव्स का काम है वो बहुत ज़्यादा रिच क्वालिटी का आपको मिलता है। आप देख पा रहे होंगे बहुत प्यारी फिनिशिंग आपको मिल जाती है, पैडेड ब्लाउज पीस मिलता है, फ्रंट हुक के साथ आपको ब्लाउज मिल जाता है, अंदर इनर का फैब्रिक भी आपको सॉफ्ट दे रखा है, पैड का फैब्रिक भी सॉफ्ट है, मार्जिन भी मिल जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ब्लाउज में आपको मार्जिन भी दे रखा है, आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ब्लाउज टाइट लगे तो। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि तो ब्लाउज जो है वो आपको बैक डोरी के साथ मिलता है, और बहुत ही प्यारा सा बो का पैटर्न भी आपको ब्लाउज के नीचे वाले पोर्शन में मिल जाता है। आपको यहीं पे ये जो बो है बस ऊपर से लगाया हुआ है, हुक जो है वो आपको आगे की तरफ ही दे रखे हैं, तो फ्रंट हुक के साथ आपको ब्लाउज मिलता है। बो के पैटर्न की वजह से पीछे से भी ब्लाउज का ग्रेस जो है वो बढ़ गया है। ब्लाउज का फैब्रिक आपको बहुत सॉफ्ट मिलता है, मतलब अनकंफर्टेबल रहने वाला या चुभने वाला फैब्रिक आपको नहीं मिलता है। फैब्रिक की क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है, काम की क्वालिटी भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। हुक की क्वालिटी आपको एक बार खुद स्टिच करनी पड़ेगी, इस टाइप की मिलती है, मतलब ओके ओके टाइप की हुक की क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल ब्लाउज जो है वो आपको अच्छे काम कपड़े और फैब्रिक के साथ मिल जाता है, डिज़ाइन वगैरह बहुत सुंदर है। ब्लाउज को मैं आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ब्लाउज पहनने के बाद कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थे वो कुछ अफोर्डेबल रेंज के ब्लाउज जो कि मैंने मीशो से परचेज करे थे। इस तरह के अंडर 500 ब्लाउज हॉल अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अपलोड है, मैंने बहुत सारे अंडर 500 ब्लाउज हॉल आप सबके साथ शेयर कर रखे हैं। थैंक यू सो मच कि आपका इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मेरी इन वीडियोज़ को मिलता है। तो इस तरह के और भी ब्लाउज हॉल देखना चाहते हैं, रेडीमेड ब्लाउज हॉल देखना चाहते हैं, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और अगर नए हैं इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं इन वीडियोस को, नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।